विजिलेंस टीम मंडी ने एक पटवारी को 2500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। ये मामला सुंदरनगर के क्लोहड़ पटवार सर्कल का है, जहां पर तैनात ग्रामीण राजस्व अधिकारी दिलीप सिंह को 2500 रुपए रिश्वत लेने पर हिरासत में लिया गया है। मामले के आरोपी पटवारी को जिला एवं सेशन कोर्ट के स्पेशल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। विजिलेंस विभाग मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने कहा कि क्लोहड़ पटवारी के खिलाफ सुंदरनगर के बनायक निवासी पवन कुमार सेन ने रिश्वत की मांग करने को लेकर रिकॉर्डिंग और लिखित शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने पहली किश्त के तौर पर आरोपी को 500 रुपए दे भी दिए थे और बाकी बचे हुए 2500 रुपए का भुगतान करना था। इस पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपी पटवारी दिलीप सिंह को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जी, पवन कुमार निवासी बनाइक तहसील सुंदरनगर ने है विजिलेंस मंडी में एक शिकायत पत्र पेश किया है, जिसमें उन्होंने क्लोहड़ पटवार सर्कल के पटवारी दिलीप सिंह द्वारा तदीमा जारी करने के लिए कुछ पैसों की मांग की बात की थी। ये शिकायतकर्ता पवन कुमार बीना में कुछ जमीन खरीदना चाह रहे थे, जिसका वो पटवारी से तदीमा मांग रहे थे। काफ़ी उन्होंने उसके पास चक्कर लगाए तो पटवारी के द्वारा टांग टोल करने पर पटवारी द्वारा उससे काम के बदले में पैसे की मांग की गई। तो इसकी शिकायत पत्र शिकायतकर्ता ने हमें परसों दी थी, जिसका ये जो उनके बीच में बातचीत हुई उसका शिकायतकर्ता ने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो हमें प्राप्त हुई। उस पर कार्रवाई करते हुए पिछले कल विजिलेंस टीम मंडी द्वारा पटवारी दिलीप सिंह को पटवार सर्कल लॉर्ड के ऑफिस से ही देर शाम को गिरफ्तार किया। उसमें 2500 रुपये की रिकवरी कैश के रूप में पटवारी से की है। इसमें पटवारी द्वारा 3000 रुपये की डिमांड कर रही थी, जिसमें कि 500 रुपया उसको एडवांस में शिकायतकर्ता ने परसों उसको दे दिए थे और जो बकाया 2500 रुपया वो तदीमा जारी करते समय, यानी कि पिछले कल जब उसको वो उसने जारी करना था उस समय देने की मांग करी थी, तो इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हमने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसे स्पेशल कोर्ट मंडी में दोपहर बाद पेश कर दिया जाएगा रिमांड के लिए।